कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः गोविन्दाय नमो नमः रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः सीताय पतये नमः अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः तस्मै श्रीगुरवे करारविन्देनापदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि मनोजगं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यम् श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल कृष्ण गोविंद
राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंदन गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल राधे गोपाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदन।
मोहन शाम मेरे सीता वल्लभ राम मेरे राधा मोहन श्याम मेरे सीता श्याम मेरे राधा श्याम मेरे श्री घनश्याम मेरे राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल Govinda Govinda Radhe Govinda Govinda Krishna Govinda Govinda
बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो, सद्गुरुदेव भगवान की जय हो, प्रयागराज धाम की जय हो, गंगा मैया की जय हो, यमुना मैया की जय, वृंदावन धाम की जय, सभी संतों की जय, भागवत भगवान की जय, जय जय श्री राधे। कण कण में विराजमान परमपिता परमात्मा भगवान श्री कृष्ण का वांग्मय विग्रह भागवत जी को नमन करते हुए जिस दिव्य धाम में बैठकर भगवान की आराधना श्रवण की साधना हम लोग कर रहे हैं, ऐसे तीर्थराज प्रयाग मुनि भारद्वाज जी महाराज को नमन करते हुए कथा में समुपस्थित पूज्य सभी संतवृंद भगवान की कथा का श्रवण करने वाले पवित्र आत्मा साधक जन श्रोता जन बड़े ही सौभाग्य से श्रीमद् भागवत सप्ताह के तीसरे दिन में हम लोग प्रवेश कर रहे हैं। इदं भागवतं नाम पुराणं ब्रह्म संहितं उत्तम श्लोक चरितं चकार भगवान ऋषि। प्रथम स्कंद का नाम है अधिकारी स्कंद। अधिकारी स्कंद का मतलब होता है जिसमें परमात्मा को पाने की योग्यता निर्मित हो जाती है। किसी भी कार्य को करने के लिए अधिकार होना बहुत जरूरी है। अधिकार का मतलब होता है उसकी योग्यता। आपको 100 किलो का बोझा भी उठाना हो तो उठाने की योग्यता चाहिए। आप कोई भी आध्यात्मिक काम करते हो उसकी योग्यता का होना बहुत जरूरी है। आप भगवान का भजन कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, जप कर रहे हैं, उसकी योग्यता का भी होना हमारे लिए बहुत जरूरी है। और ये हमारे जीवन में जो योग्यता है वो आ जाती है श्रम के द्वारा, पुरुषार्थ के द्वारा। बहुत से लोग अपने प्रति एक शिकायत करते हैं, हमारी दो प्रकार की शिकायतें हुआ करती हैं, एक अपने प्रति शिकायत और दूसरी दूसरी के प्रति शिकायत। दूसरी की शिकायत तो समझ में आ जाती है कि अमुक आदमी ने हमारे लिए वो नहीं किया, हमने याचना की लेकिन उन्होंने वो मान सम्मान नहीं दिया। ऐसी बहुत सारी शिकायतें हम दूसरे के प्रति करते हैं, लेकिन एक सबसे बड़ी शिकायत व्यक्ति अपने प्रति करता है। और वो शिकायत है कि हमारा मन नहीं लगता है। हम साधना करते हैं, हम जप करते हैं, ध्यान करते हैं, प्राणायाम करते हैं, लेकिन हमारा मन नहीं लगता है। ये बहुत बड़ी शिकायत है, ये अपने प्रति शिकायत है, ये अपने से शिकायत है।
और ये जो शिकायत अपने प्रति है ये बहुत महत्वपूर्ण है। यही तो शिकायत अर्जुन ने भगवान के प्रति की। जब आप अपने से करते हैं और उसका सोल्यूशन नहीं निकलता है तो आप वो शिकायत दूसरे के सामने प्रस्तुत कर देते हैं। आपकी समस्या आप स्वयं हैं, आपका मन नहीं लगना ये आपकी समस्या है और ये समस्या खुद आपकी है। इस समस्या को किसी दूसरे व्यक्ति ने पैदा नहीं की है। आप रास्ते से गुजर रहे हैं, किसी ने कांटे डाल दिए रास्ते में, वो समस्या दूसरे के द्वारा सृजित है, लेकिन आपने खुद में खुद के लिए कांटे बिछा दिए। ये आपकी समस्या, आपके द्वारा निर्मित की हुई समस्या है और उसका समाधान भी आपको करना पड़ेगा। आपको रास्ता बता देगा कोई, समस्या का समाधान बता देगा कोई, लेकिन उसका समाधान तो आपको ही खुद को निकलना पड़ेगा। भगवान के चरणों में प्रार्थना की अर्जुन ने, चंचलम ही मन कृष्ण प्रमाथि बलवदृढ़ तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुष्कर। मन बड़ा चंचल है, जो आपकी समस्या है वो दुनिया की समस्या है, जो आपकी समस्या है वो अर्जुन की समस्या है, जो आपकी समस्या है वो राम की समस्या है जब वो विद्यार्थी जीवन में थे। और भगवान राम भी अपने गुरु को पूछ रहे थे वशिष्ठ जी महाराज से, प्रभु मेरा मन नहीं लगता है, विषमश्चित्त निग्रह। और जो कृष्ण ने अर्जुन को और वशिष्ठ जी ने राम को जवाब दिया, उत्तर दिया, वही आपके लिए है, अभ्यास और वैराग्य। आपका जो मन वो बहुत चंचल है, विक्षिप्त है, अति चंचल है। मन का चंचल होना ये वरदान है, अति चंचल होना अभिशाप है। आपका मन चंचल होना चाहिए, आपका मन यदि चंचल ना हो तो आपकी क्रियाएं अवरुद्ध हो जाएगी, आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। आप सो गए, आपका मन सो गया, आपके मन ने अपनी चंचलता का त्याग कर दिया तो वहां पर बोध की जो प्रक्रिया वो थम गई, समाप्त हो गई। अब आपके आसपास कोई भी घटना घट जाए तो आपको मालूम नहीं पड़ेगी। और जैसे आप जग गए और आपके मन में चंचलता पैदा हो गई और वो चंचलता बोध की चंचलता है। आप सो रहे हैं, आपके नाक पर कितने भी बड़े से बड़े मच्छर खाए आपको मालूम नहीं पड़ेगा, लेकिन आप जग गए। जगने के बाद खाने की जरूरत नहीं, मच्छर बैठ भी जाए तो आपको मालूम पड़ेगा। एक संवेदना है, मच्छर का बैठना, उसके पैरों की जो संवेदना आपके नाक पर प्रकट होगी और आपको मालूम पड़ेगा कि कोई चीज मेरे नाक के ऊपर बैठी है। ये मालूम कैसे पड़ा? क्योंकि आपका जो मन है वो जग गया है और उसका जगना वो मन की एक अस्थिर अवस्था, एक मन की द्रव अवस्था है। और वो मन की द्रव अवस्था बहुत जरूरी है बोध को पैदा करने के लिए, पदार्थों को जानने के लिए। वो हमारे जीवन में वरदान है, आप भगवान के लिए भजन कर रहे हैं, ये आपकी मन की चंचलता है। आप मन को गतिमान कर रहे एक दिशा में, ये मन की द्रवता है। आप बैठ के ध्यान कर रहे हैं, ये मन की द्रवता है, मन को आप दिशा दे रहे हैं। आप मन को पकड़कर किसी और ले जा रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है।
आपका मन चंचल होना चाहिए, लेकिन मन अति चंचल नहीं होना चाहिए। आपके उसको कंट्रोल में होना चाहिए, मन को आपके नियंत्रण में होना चाहिए। अर्जुन ने जो प्रश्न किया वो मन के चंचलता का प्रश्न नहीं है, वो अति चंचलता का प्रश्न है। राम ने वशिष्ठ जी के सामने जो प्रश्न किया वो मन के चंचलता का प्रश्न नहीं है, अति चंचलता का प्रश्न है। अर्जुन ने यही बोला, प्रभु मेरा मन अति चंचल है, उसको मैं अपने नियंत्रण में कैसे लाऊं? उसका समाधान बता दिया, अभ्यास और वैराग्य। मन की अति चंचलता ये भी अभ्यास जन्य है। आप जो भी कुछ करते हो वो करना आपका जीवन बन जाता है, आपका स्वभाव बन जाता है, आप वो खुद बनना शुरू हो जाते हैं। ये हमारे जीवन की बहुत मजेदार बात है। आपको मनुष्य मात्र के अनेकों स्वभाव मिलेंगे, उसका बैठने का तरीका, देखने का तरीका, हंसने का तरीका, चलने का तरीका, खाने का तरीका, सोचने का तरीका, बहुत अलग अलग मालूम पड़ता है। और ये स्वभावगत आकृतिगत जो विभिन्नता है ये आपका अभ्यास है। आपने उसको किया, आपने जीवन में उसको अपनाया और अपनाते अपनाते वो आपकी आकृति बनी, वो आपका हंसना बना, वो आपका बोलना बना, वो आपका बैठना बना, आपका उठना बना, वो आपके सोचने की एक विधा बनी। आपके जीवन में जो भी चीजें हैं वो अभ्यास से आई हुई हैं, और जब उसको बदलना चाहोगे तो वो अभ्यास से जाए बदलेगी, और कोई उपाय नहीं है। आपका मन बहुत चंचल है तो ये आपका अभ्यास है। आपने वैसा किया, आपने वैसा सोचा, उस दिशा में अपने मन को बहाया और वो मन वैसा बहा और वैसा बना। अब आपको यदि उस पर नियंत्रण करना है तो आपको लौटना पड़ेगा। भगवान ने यही उपाय बताया गीता के 6वें अध्याय में, यतो यतो निश्चरति मनश्चञ्चलम् अस्थिरम् ततस्ततो नियमेतत् आत्मन्नेव वशं नयेत्। यतो यतो निश्चरति, भगवान ने कहा जहां 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 पर आपने मन लगाया है आपको वहां वहां से लौटाना पड़ेगा। आप जिस दिशा से ऊपर चढ़े नीचे उतरने का वही रास्ता है और कोई दूसरा नहीं है। आप बाहर जिस क्रम से गए अंदर आने का क्रम वही है और कोई दूसरा क्रम नहीं है। आप जैसे बोलते हो मौन होने का वही तरीका है, लौटना है। और ये जो क्रम है जीवन के सुधार का, इसी का नाम तो अभ्यास है। आपके जीवन में जो भी चीजें हैं श्रम साध्य हैं, वासना भी श्रम साध्य है। वासना भी हमारे जीवन में आई हुई है, किसी ने पैदा नहीं की है, और ये स्वयं की समस्या है। अपने से ये शिकायत ये अपने से शिकायत है, ये दूसरी की शिकायत नहीं है। आपका मन बहुत चंचल है ये आपकी शिकायत अपने से है, और इसका समाधान भी हमारे भीतर हम साधना करें बहुत गहराई से। हमारे साधना का स्तर केवल क्रियात्मक न हो, हमारे साधना का जो स्तर है केवल बौद्धिक न हो, हमारे साधना का स्तर आत्मिक हो। अनात्मिक साधना के स्तर से आत्मिक परिणाम कभी मिलते नहीं हैं। हम बहुत गहराई से हम आत्मिक हो जाए, क्रियात्मक न हो, बहुत ज्यादा क्रियात्मक न हो,
आप जब क्रियात्मक होते हैं तो आप बाहर होते हैं, आपकी चेतना बाहर फैलने लगती है, आपको दुनिया दिखाई देने लगती है। आपको क्रियात्मकता को समेटना पड़ेगा। मैंने सुबह के ध्यान के सत्र में एक चीज बोली थी, आपने अपनी आंखों को बंद कर लिया है, एक बहुत बड़ी बात है, आपने क्रियात्मकता को समेट लिया, आपकी आंख बाहर देखनी है तो बाहर की चीजें मालूम होना शुरू हो जाती है। आपके अंदर बहिर्मुखता आनी शुरू हो जाती है, लेकिन आप अपने आंखों को बंद कर लेते हैं, अपने हाथों पैरों को समेट लेते हैं, आपका यह शरीर अपनी क्रियात्मकता खो देता है, तो वहां पर एक आंतरिक संघर्ष शुरू हो जाता है, वहां एक बौद्धिक संघर्ष शुरू हो जाता है। आपने अपने शरीर को स्थिर कर दिया, आंखों पर नियंत्रण कर लिया, हाथों पर नियंत्रण कर लिया, पैरों पर नियंत्रण कर लिया, आपने पहले स्तर को पार कर दिया, पहला प्रतिबंध आपने पार कर लिया, और उसके बाद फिर बौद्धिक जगत शुरू हो जाता है। जो आपके अंदर अनेकों प्रकार के संस्कार, जिसको आपने देख के पैदा किया है, जिसको सुन के पैदा किया है, जिसको आपने खा के पैदा किया है, छू के पैदा किया है, वो सारा संस्कार का जगत आपके अंदर प्रकट हो जाता है, और वो अनेकों स्मृतियों के रूप में आपके सामने विस्तार को प्राप्त हो जाता है। उसी को तो आप विक्षेप बोलते हो, विक्षेप और कुछ नहीं है। हमारे अनेकों स्मृतियों का विस्तार है। आपके अंदर अनेकों प्रकार की स्मृतियां पैदा हो रही जिसको आप नहीं चाहते हैं, आप वो चीज याद कर रहे हैं जिसको आप याद करना नहीं चाहते हैं, आप उन भावनाओं में बह रहे हैं जिसमें आप बहना नहीं चाहते हैं, उसी को तो आप विक्षेप बोलते हैं। और ये बौद्धिक जगत है, हम बौद्धिकता में उलझे नहीं, बहुत ज्यादा सोच में उलझे नहीं, वो आपका सोचना आध्यात्मिक हो या अनाध्यात्मिक, उसे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, वो तो आपका विक्षेप है, आपका वो सोचना है। सबसे महत्वपूर्ण बात है आप आत्मिक कितने हैं, आपकी क्रियात्मकता और बौद्धिक विश्लेषण का स्वभाव ये आध्यात्मिक जगत में बहुत बड़ा प्रतिबंध है, और इन दो चीजों के ऊपर आपको नियंत्रण करना पड़ेगा, खुद से अपने ऊपर प्रयोग करना पड़ेगा सही तरीके से। जब आप सही तरीके से साधना करते हैं तो आपका स्वभाव बदलना शुरू हो जाता है, आपकी साधना आंतरिक जगत में प्रवेश कर जाती है, वहां एक विक्षेप में भी सौंदर्य मालूम पड़ने लगता है। यहां यही बात राजा परीक्षित को सुखदेव जी महाराज जी ने सुनाई भागवत के माध्यम से। भागवत एक विस्तार है बौद्धिकता का, और वो क्रियात्मकता का भी विस्तार है। आप बहुत ध्यान से सुनेंगे तो मेरी बात समझ में आएगी, क्योंकि मैं बहुत
भागवत की आंतरिक ज्ञान की बात पर प्रकाश डाल रहा हूं। ये कोई कथा कहानी नहीं है, है तो भागवत। कहानियों के माध्यम से सुखदेव जी महाराज ने प्रेरणा दी राजा परीक्षित को, बौद्धिक जगत को कैसे जीता जाए, अपनी क्रियात्मकता के ऊपर नियंत्रण कैसे स्थापित किया जाए। ये भागवत है, ये पुराण है, और उसमें एक ही परमात्मा के विस्तार की बात कही। दुनिया में जहां तक जो भी चीजें दिखाई दे रही हैं वो परमेश्वर है। दुनिया में केवल एक ऐसा धर्म है, सनातन धर्म, जो परमात्मा की सत्ता को कण कण में स्वीकार करता है, आपके भीतर, हमारे भीतर, यहां वहां, ऊपर नीचे। भगवान ने भी 11वें अध्याय में बहुत सुंदर बात कही, विश्वरूप दर्शन के रूप में। भगवान ने कहा सारी दुनिया विश्व ये परमात्मा का रूप है, और बहुत विस्तार से 7वें अध्याय में और 10वें अध्याय में भगवान ने बताई बात। 7वें अध्याय और 10वें अध्याय में एक महात्मा मिले मेरे को, बहुत पुरानी बात है, मैं गीता के 11वें अध्याय का पाठ कर रहा था, बहुत मजेदार महात्मा था। उम्र उनकी बहुत ज्यादा थी, उन्होंने बहुत सरलता से मेरे को प्रश्न पूछा, क्या तुमने विश्वरूप के दर्शन किए? मैंने कहा कि मैंने तो नहीं किया, विश्वरूप के दर्शन तो अर्जुन ने किए। उन्होंने बहुत सरलता से कहा, अच्छा अभी तुमने विश्वरूप के दर्शन नहीं किए? मैंने कहा नहीं किए। उस समय तो वो बात में समझ नहीं पाया, लेकिन बाद में मेरे दिमाग में आई बात, आप जब गीता पढ़ो तो गीता आपको मालूम पढ़नी चाहिए। जब भगवान विश्वरूप के दर्शन करा रहे अर्जुन को, तो उस समय आपको भी हो जानी चाहिए, तभी तो गीता पढ़ने की सार्थकता है। भगवान ने कहा मया ततमिदं सर्वं जगदव्यक्त मूर्तिना मत्स्थानी सर्वभूतानि, ये सारी दुनिया मेरे से व्याप्त है, कणकण में मैं हूं, कणकण में मैं हूं, ये आपको मालूम होना चाहिए। यशोदा मैया को भगवान ने विश्वरूप के दर्शन कराए, सारी दुनिया भगवान के अंदर, और दुनिया के अंदर भगवान ये दोनों चीजें दिखा दी, तो हमारे भीतर भी वो एहसास होना चाहिए। जब भगवान कह रहे हैं कि मैं सब में हूं, तो आपको विश्वास कर लेना चाहिए। और केवल ये विश्वास की बात नहीं है, विश्वास आकृति में, जीवन में, चरित्र में आ जाना चाहिए। और आदमी में देखने की आदत, आपके सामने जो भी चीज आए उसमें अभ्यास कर लेना चाहिए, इसमें परमात्मा है, इसमें और कोई दूसरी चीज नहीं है। और ये बात अर्जुन के भी समझ में नहीं आई, और उस समय अर्जुन ने भगवान से प्रार्थना की, प्रभु दृष्टुमिच्छामि ते रूपम, आप मेरे को सुना रहे हो वो विश्वरूप, लेकिन मैं देखना चाहता हूं। 11वें अध्याय में भगवान ने अर्जुन को वो विश्वरूप दिखा दिया, 10वें अध्याय में और 7वें अध्याय में सुनाया है, और 11वें अध्याय में भगवान ने विश्वरूप दिखाया है। देखा अर्जुन ने, ये सारी दुनिया परमात्मा का रूप है।
ऐसे भागवत में सुखदेव जी महाराज जी ने, व्यास जी महाराज ने आपको बताया, सारी दुनिया भगवान का रूप है, बनाया उस परमात्मा ने और बन के उसमें समाविष्ट हो गया ये सारी दुनिया। सिया राम मैं सब जग जानी, ये आपके शास्त्रों का सनातन सिद्धांत है। लेकिन नारायण बात मालूम नहीं पड़ी। मालूम पड़ी क्या? कुछ नहीं मालूम पड़ी। ये दुनिया परमात्मा मालूम नहीं पड़ी। और ये मालूम होना भी इतना सरल नहीं है नारायण। और इसीलिए ही यह 24 अवतारों का वर्णन है। 24 अवतार माने 24 भगवान। एतन नाना अवतारानाम निधानम बीजम अव्ययम यशांशे न सृजन्ते देवतिर्यं नरादय स एवीदं ससर्जाग्रे भगवान आत्ममायया सदसद्रूपया चासु गुणमय्या गुणो विभु। व्यास जी महाराज ने कहा ये सारी दुनिया वही है, लेकिन समझ में नहीं आई बात। और जब बात समझ में नहीं आई तो उनको बताया गया कि भगवान हैं कितने, बोले 24 हैं। 24 ओ 24 तो हो सकते हैं। आपको ये बताया जाए कि आपके बगल में जो बैठा है ना वो भगवान का ही रूप है, बहुत मुश्किल है। समझना ही बहुत मुश्किल है क्योंकि आप उसको बहुत बुरा समझते हो। हमारे आसपास बहुत सारी चेतनाएं प्रवाहित प्रवाहित हैं, लेकिन उसके प्रति आपके मन में नकारात्मक भाव है। आप उसको कैसे समझोगे ये भगवान है? और बहुत मुश्किल है, आपके बगल वाला कभी भगवान नहीं होता है। आपके बगल वाला कभी भगवान नहीं होता है। भगवान होगा तो बहुत दूर होगा, वो बहुत दूर के देश में होगा, किसी दूसरे काल में होगा। इसलिए आज तक जहां भी भगवान पैदा हुआ उसको लोगों ने भगवान नहीं माना। भगवान पैदा हुए मथुरा में, पैदा हुए जहां, वहां के लोगों ने भगवान माना कि जहां पैदा नहीं हुए उनको उन्होंने माना? मथुरा के लोगों ने भगवान को कभी भगवान नहीं माना। गोकुल के लोगों ने थोड़ा माना, थोड़ा ज्यादा नहीं। और उसके बाद फिर आगे बड़े भगवान द्वारका के लोगों ने माना। और मुश्किल है, द्वारका के लोगों ने भी नहीं माना होगा। जो द्वारका में नहीं थे, जिन्होंने सुना उसने माना ये भगवान है। और जो आसपास के जो लोग थे वो तो भगवान को इसी रूप में देखते थे कि ये बहुत शरारती है, बहुत उठपटांग आदमी है, ऐसा ही देखा। ये बालक तो बहुत शरारती है, वो चोरी करता है, वो छेड़खानी करता है, तो क्या वो भगवान हो सकता है क्या? लोगों ने ऐसा ही देखा उनको। बहुत कठिन बात है, आपके आसपास की चीजें आपके लिए बहुत गौण होती है, वो महत्वपूर्ण नहीं होती हैं। और इसीलिए आज तक जिन्होंने भी पूजा अपने माता पिता को मरने के बाद ही, आपको आपके गुरु भी मरने के बाद ही ज्यादा गुरु मालूम पड़ते हैं, मरने के पहले नहीं मालूम पड़ते हैं। आपके भगवान भी आपको भगवान तब मालूम पड़े जब वो शरीर छोड़ के चले गए। अच्छा, भगवान को मानने वाले ज्यादा भगवान के जाने के बाद थे कि भगवान के समय थे? दुनिया के जितने भी भगवान हुए उनके मंदिर उनके सामने नहीं बने, वो उनके मरने के बाद बने। ये तो बहुत आश्चर्य की बात है। जिन्होंने उनको देखा, जिन्होंने उनको छुआ, जिन्होंने उनको सुना, उन्होंने उनके मंदिर कभी नहीं बनाए। वहां संदेह था, ये हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। और कोई जल्दीबाजी नहीं थी लोगों को कि ये भगवान है, भगवान है, कोई जल्दीबाजी नहीं थी। और जब भगवान चले गए तब विश्वास जगा कि वो तो भगवान थे, और वो सारी चीजें बन गई। फिर जो भगवान के सामने होनी थी वो भगवान के चले जाने के बाद हुई। ये मालूम होना बहुत कठिन है। आपके बगल वाला आदमी कोई भगवान हो सकता है क्या? आपके बगल में आपके घर के पीछे बहने वाली नदी कोई बहुत पवित्र हो सकती है क्या? बहुत संदेह आपके मन में।
आप गंगा जी को मान सकते, बहुत पवित्र नर्मदा जी को मान सकते, क्योंकि वो बहुत दूर है, वहां तक पहुंचने के लिए आपको समय देना पड़ता है। लेकिन नर्मदा किनारे रहने वाले लोगों को पूछना है ये देवी नर्मदा है कि नहीं। गंगा के किनारे रहने वाले लोग कभी गंगा जी की आरती नहीं करते हैं, वो आरती करने वाले लोग बहुत दूर के होते हैं। आप नर्मदा के किनारे जाना, वहां आरती करने वाले लोग वो आसपास के कोई नहीं होते, वो प्रसाद लेने के लिए जरूर आते होंगे। ये सारी समस्या, ये बहुत पुरानी समस्या है, और इसीलिए भगवान को कहना पड़ा मैं हूं, विभूतियों का प्रतिपादन करना पड़ा, मैं गंगा जी हूं, मैं हिमालय हूं, मैं मनुष्यों में राजा हूं, मैं पक्षों में गरुड़ हूं, वेदों में मैं ओम हूं, मनुष्यों में राजा, ये भगवान को बोलना पड़ा। क्योंकि भगवान की वो बात हमारे समझ में नहीं आई, सब कुछ मैं हूं। यहां पर भी भागवत में पहले यही बताया गया, सारी दुनिया भगवान का ही रूप है, और सबके साथ आपके मन में वही अहोभाव, वही प्रेम, वही सौहार्द, वही अपनत्व होना चाहिए। लेकिन बात जब समझ में नहीं आई तो उनको कहना पड़ा ये भगवान के 24 अवतार हैं। भगवान का पहला जो अवतार है वो सनकादि, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। दूसरा अवतार है वराह भगवान। तीसरा अवतार नारद है। चौथा अवतार नर नारायण। पांचवा अवतार कपिल है। छठा अवतार दत्तात्रेय है। आठवां अवतार भगवान का यज्ञ नारायण। आठवां अवतार आपका ऋषभदेव जी महाराज जी का। नौवां अवतार पृथु भगवान का। दशवां अवतार मत्स्य भगवान, कच्छ भगवान, मोहिनी भगवान, राम भगवान, कृष्ण भगवान, नरसिंह भगवान, वामन भगवान, ये 24 अवतार आपको बता दिए। और आपकी चेतना को विस्तार देने का उन्होंने प्रयत्न किया। मैंने आपको कहा कि आपकी बौद्धिक चेतना को विस्तार देना है, उसको विस्तार देना है, क्योंकि आपकी जो बौद्धिक चेतना और आपकी जो क्रिया है वो बाहर के पदार्थों को पकड़ के रखी है। परम पूज्य दादा गुरु हमारे अखंडानंद जी महाराज एक बहुत सुंदर बात करते हैं, आपको इतनी सुंदर सुंदर भगवान की लीलाएं क्यों सुनाई जाती है, आपको इतने अच्छे अच्छे संगीत के माध्यम से भगवान का नाम क्यों सुनाया जाता है, ये बड़ी रहस्य की बात है। भाई आप कोई कर्कश्वर में, बेसुरेश्वर में भगवान का नाम सुनाए तो भगवान का ही नाम है ना, वो आपको सुन लेना चाहिए। कोई बेसुरा आदमी यदि बोलना शुरू कर दे हरे राम राम राम, आप ज्यादा नहीं सुनोगे, आप उठ के चले जाओगे। और वही नाम यदि कोई बहुत सुरीला आदमी, हमारे जैसे अशोक जी हैं सुरीले, बहुत सुंदर गाते हैं, और जब ये सुनते हो तो आप मंत्रमुग्ध हो जाते हो, बहुत अच्छा। अच्छा ये बहुत अच्छा क्या है, भगवान का नाम है कि स्वर, ये बहुत गजब की बात है। आप अभी 2 घंटे 3 घंटे अपने आप को मंत्रमुग्ध होके आप झूमने में लगाए, वो झूमना और वो आनंद और वो संवेदना क्या थी, क्या वो नाम के आनंद की थी या स्वर के आनंद की, वो नाम के आनंद की थी या वो ताल के आनंद की थी, आपके अंदर से जो स्रोत फूट पड़ रहा था आनंद का वो किसका था, वो ढोल का तो नहीं था, वो मंजीरा का तो नहीं था, वो जो बाजे बज रहे थे उसका तो नहीं था, आप जो झूम रहे थे वो प्रभु के नाम से झूम रहे थे, या आप उस नाद में, आप उन ताल की तरंगों में और उन स्वर लहरियों में आनंद मना रहे थे, ये सोचने की बात थी। हजारों हजारों लाखों लोगों में तो आपको यही मिलेगा नारायण। चैतन्य महाप्रभु केवल बोलते थे हरे कृष्ण और वो अपने स्वर लहरी में,
वो अपने आनंद में तुकाराम महाराज एक तारा लेकर बिना लेके चले गए। आरो भंडारिया डोंगरा पर पहाड़ पर बैठकर वो भगवान का भजन करने लगे, विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठल। विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला माझा विठ्ठल पानुरंगा, हो माझा विठ्ठल पानुरंगा। विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला माझा पानुरंगा। और वो ऐसा तन्मय हो गए नारायण, विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला माझा विठ्ठल पानुरंगा, हो माझा विठ्ठल पानुरंग। विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला माझा विठ्ठल पानुरंगा, विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला माझा विठ्ठल पानुरंग, हो माझा विठ्ठल पानुरंग। वो जो गा रहे थे तुकाराम महाराज, उनको सुनने को कोई नहीं था नारायण। वो भामचंद्रा, वो पर्वत हैं, हम वहां गए थे देखने के लिए। ओ, इतनी बड़ी चट्टान, और वो उन जमाने की बात, जहां भयंकर जंगल था, और वो सुना रहे थे विठ्ठल विठ्ठल। अच्छा, ये पूछता हूं मैं आपको, वो कौन सी स्वर और वो कौन सा ताल था? वो अंदर का ताल था, और वो प्रभु प्रेम की लहर थी, उनकी सच्ची साधना हो गई नारायण। इसलिए बहुत ज्यादा बहिर्मुखता में न जिए। ये तो ऐसी बात है जैसे आपको कड़वी दवा खिलानी है। मां बहुत कोशिश करती है कि आप खाओ बेटा, लेकिन कड़वी दवा है। मां क्या करती है, गुड़ में डाल देती है उसको, अंदर वो कड़वी दवा डाल दी और आपको खिला दिया, आप खा गए। आपको खिलाना है वो दवा, लेकिन वो गुड़ में डाल दिया है। ये लेकिन बात तो बच्चे की हो गई है, ये बड़े समझदार आदमी की नहीं। आप किसी बड़े समझदार आदमी को गुड़ में दवा मिला कि नहीं खिलाओगे? उसके अंदर वो भाव है, हमको दवा खाना है। आपको भगवान का नाम लेने के लिए क्या बहुत ज्यादा तबला, हारमोनियम, बहुत सारे संगीत के ये उपकरण की जरूरत है? क्या वो बहुत सुंदर गाने वाले की जरूरत है? और यदि ये चीजें हैं तो अभी आप बच्चे हैं, अभी आप आध्यात्मिक प्रौढ़ अवस्था को प्राप्त नहीं हुए हैं, ये कहने में कोई संकोच नहीं है। भागवत का उद्देश्य यही है, अबाल वृद्ध भगवान का नामस्मरण करें, उसके अंदर भगवत भाव का जागरण, और उस भगवत भाव के जागरण के लिए अनेकों प्रकार की कहानियां सुना दी, अनेकों प्रकार की कहानियां सुना दी। यह कहानियां सुनाने का मतलब नहीं है, आपको कहानियों में अटकाना नहीं है, आपका पुराण आपको कहानियों में अटकाता नहीं है। कहानी एक मैसेज, कहानी एक संदेश है, आपको वो कहीं ले जाना चाहती है। आपकी बहिर्मुख प्रज्ञा को अंतर्मुख करने के लिए अनेकों कहानियों का विस्तार, ये भागवत, ये बड़ा भारी विस्तार जो है वो आपकी प्रज्ञा को, बहिर्मुख प्रज्ञा को अंतर्मुख करने का एक आयोजन है। अभी आप यहां बैठे हैं, आप घर में होते तो क्या करते? आप घर में होते तो कोई दुनिया की बात सोचते, या आप सो जाते, आप गप मारते, अखबार पढ़ते, टीवी देखते,
लेकिन आप यहां सत्संग में आए तो आपकी प्रज्ञा अंदर हो गई। आप भगवान की लीलाओं का श्रवण कर रहे हैं, आपकी प्रज्ञा अंदर हो गई। आपको थोड़ा गुड़ लगा करके दवा खिला दी, आपको अच्छा लगने के लिए थोड़ा हारमोनियम रख दिया, आपको अच्छा लगने के लिए थोड़ा अच्छे गले वाला लाके बैठा दिया, आपको अच्छा लगने के लिए थोड़ा डेकोरेशन वाला बैठा दिया। आपको वो उसमें अटकने के लिए नहीं है, वो आपको आगे बढ़ाने के लिए है। आपके अंदर वो प्रभु के नाम का रस मिले और वो धीरे धीरे आपके हाथ से हारमोनियम छूट जाए, वो तबला छूट जाए। इसका अर्थ ये नहीं कि हम अशोक जी को छोड़ना चाह रहे हैं, सत्य तो यही है। आपको जरूरत ना पड़े, ये जितने भी मंत्र हैं ये अपने आप में बहुत ही रसपूर्ण है।